بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम की जो है हम आयत नंबर 6-11 देखते हैं। बहुत गौर तलब बातें हैं इसके अंदर, इंशाल्लाह गौर करें और अपने लिए अमल की बात लें। इंशाल्लाह देखते चलें। इंशाल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ। नहीं गौर करते हैं कि कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं हमने उसे हलाक किया उनसे पहले। हाल उनका ऐसा था कि हमने उन्हें ठिकाना दिया था, जमाया था हमने उन्हें ज़मीन में, जैसा नहीं हमने जमाया तुम्हें, और बसाया हमने आसमान से उन पर नफ़े बख्श बारिश, और बनाया हमने नहरें, यानी नहरें जारी की थी हमने उनके दामन में, फिर हलाक किया हमने उन्हें उनके गुनाहों के सबब, और उठा खड़ा किया हमने उनके बाद दूसरी आबादियों को। आयत नंबर 7। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबं फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाला अल्लज़ीना कफ़रू إن هذا إلا سحر مبين। और अगर नाजिल करते हम आप पर ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब, यानी औराक की शक्ल में, यानी पेजिस में, फिर वो उसे छू भी लेते अपने हाथों से, तब भी कहते वो लोग जिन्हें नहीं मानना है, क्या कहते कि नहीं है ये मगर जादू है बिल्कुल खुला हुआ। आयत नंबर 8। وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون। और उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा जाता है इस नबी पर कोई फरिश्ता, और अगर नाजिल, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, और अगर हम नाजिल कर दें फरिश्ते को तो ज़रूर फ़ैसला कर दिया जाए मामलात के, फिर नहीं वो मोहलत दिए जाएंगे। आयत नंबर 9। वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यलबिसून। और अगर बनाना होता हमें रसूल फरिश्ते को तो ज़रूर बनाते हम उसको आदमी जैसा, फिर ज़रूर हम शक में पड़े रहने देते उन्हें उसी शक में वो जो कर रहे हैं। आयत नंबर 10। وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
मिन्हुम्मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और यकीनन मजाक उड़ाया गया रसूलों का आपसे पहले भी, फिर घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया। उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उसे अजाब ने घेर लिया। ठीक है, किस अजाब ने? जिसे थे वो उसका मजाक बनाते थे। आयत नंबर 11, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ। اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ देखिए आयत नंबर 6 में किस तरीके से अल्लाह सुभान ताला ने बता दिया कि ये मेरा मकाफाते अमल है। मकाफाते अमल यानी कि जैसा जो लोग करते हैं मेरे साथ मैं भी उनके साथ वही मामला करता हूँ। ये अल्लाह सुभान ताला का जो है ये सुन्नत है अल्लाह सुभान ताला की, कि जब रुए जमीन पर जब उसी की दी हुई चीजों को लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर है ना जो उसकी नाशुक्री करते हैं या उसकी इबादत नहीं करते हैं और इतनी नाफरमानियों से काम करते हैं, तो अल्लाह सुभान तआला से बता रहे हैं कि हम जो है उसको बिल्कुल जो है उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लेते हैं और फिर उनकी जगह दूसरे लोगों को जो है वो आबाद कर देते हैं। तो अपने बारे में सोचिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, अपने हिस्से को पहचानिए कि आज मेरी जिंदगी का हिस्सा अच्छे कामों में लग रहा है या फिर बुरे कामों में लग रहा है। अगर बुरे कामों में लग रहा है तो बहुत पॉसिबल है कि जहाँ लोग दूसरी बुराइयों में फंसे हुए हैं अगर आप भी उनमें इन्वॉल्व हैं, तो बोलते ना कि जिस तरीके से यानी कि अल्लाह सुभान ताला अपनी सुन्नत सबके साथ पूरी करके रहेंगे कि अजाब आएगा तो सब पर आएगा। तो कोशिश ये करें। और देखिए ये कभी ऐसा हो यानी कि एकदम यानी कि समझिए कि इज्तिमाई तौर पर अल्लाह सुभान ताला अगर किसी को हलाक कर रहे हैं, कोई आबादी को हलाक कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि अल्लाह सुभान ताला बुरे लोगों को क्लीन कर रहे हैं अपने जो है वो जमीन से। ऐसे बुरे लोगों को अल्लाह सुभान ताला उनका खात्मा कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल देखिए कि क्यों अल्लाह सुभान ताला को इतना जो है यानी कि गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अल्लाह सुभान ताला के लिए तो खैर कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से जैसे कि अल्लाह सुभान ताला जो है जब पकड़ करते हैं तो कैसे सबके एक साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर माँ को किसी एक बच्चे पर गुस्सा आ रहा हो तो साथ में बेचारे जिसकी गलती नहीं होती उसको ही पकड़ के दो तीन लाफा मार देती है माँ, है ना। महसूस किया आपने इस चीज को? या आपने कभी मार खाई हो या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हो कि गुस्सा एक बच्चे पे आ रहा है, गलती एक बच्चे ने की है, लेकिन गुस्सा इस कदर रहता है कि एक आध हाथ बेचारे दूसरे बच्चे को भी लग जाता है, एक आध हाथ जो है हम बड़े बच्चे पर भी घास साफ कर लेते हैं गुस्से की वजह से। सेम थिंग ये है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग जो है वो मेरी नाफरमानी करते हैं और जो है यानी कि ऐसे ऐसे अल्लाह सुभान ताला ने हलाक किए इन लोगों को उनकी नाफरमानी की वजह से। और आज आज जो है दुनिया उसको किस नाम से जानती है? हिस्ट्री के नाम से। जबकि अल्लाह सुभान ताला क्या बोल रहे हैं? मैंने इनको हलाक किया, मैंने इबरत के लिए उनको हलाक किया। तो ये देखिए कि यही बात है। देखिए कि एक बंदे मोमिन अल्लाह की किताब को पढ़ के इससे इबरत लेने की कोशिश करता है, उससे जो है सबक लेने की कोशिश करता है, और जो है समाज या फिर ये जो है दुनिया वाले उसको हिस्ट्री के नाम पर लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ाते रहते हैं। इसी तरीके से देखिए कि इसलिए इंसानों में अल्लाह का खौफ नहीं आता है और एक बंदे मोमिन जो होता है बिल्कुल इन चीजों को अल्लाह की नजर से देखने की कोशिश करता है। देन उसके बाद आयत नंबर 7 में अब देखिए कि यहाँ से वो बातें शुरू हो रही हैं एतराजात के। ये मैंने बताया आपको ये उस दौर की सूरत है जब बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत नबुवत मिल गई थी और मक्के में थे। मक्के दौर की बिल्कुल बीच की आयतें हैं सारी आयतों के अंदाज से हमें पता चलता है कि किस दौर की आयतें ये हैं जो नाजिल हुई हैं। तो बिल्कुल इन आयतों में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना ये लोग ईमान करते थे। बहुत सारे जो है वो डिमांड की बातें हैं यहाँ पर, काफिराना रवैया इनका जो बताया जा रहा है मक्का वालों का कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रवैया अपनाते थे। इंशाल्लाह देखते हैं क्या है वो बात। तरह तरह बता रहे वलौ नज़लना अलैका किताबन, और अगर नाजिल करते हम आप पर
कोई किताब, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में बहुत ही हसरत रहती थी जब लोग उनसे मौजज़े मांगते थे, डिमांड करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये हसरत आती थी कि काश काश अल्लाह सुभान व तआला जो है यानी कि ये जो इनकी डिमांड को पूरा कर दे, और हो सकता है कि सारे लोग ईमान ले आए। यानी तो अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मैं आप पर एक किताब बिल्कुल पेजेस की सूरत में अगर नाजिल कर देता, लेकिन पेजेस की सूरत में मतलब जैसे कि आज एक बुकलेट की सूरत में मेरे और आपके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यकीन करिए कि जब भी कुरान को छूती अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये तेरा कलाम हमारे हाथ में तो है। क्योंकि पहले के लोगों का हाल ऐसा था कि पहले के जो लोग थे उनकी किताबें आम इंसानों के हाथ में नहीं थी, पब्लिक के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं थी, और एक कोई खास बंदा होता था उनका, और बिल्कुल यहाँ तक कि बादशाह तक को परमिशन नहीं थी कि उस किताब को वो छुए या फिर किताब में से कोई चीज जो है वो पब्लिक के लिए कुछ चीज कह सके। एक एक बंदे को इख्तियार रहा करता था, और जो है यानी कि जो बादशाह हुआ करता था उसके बिल्कुल सीट के पीछे, उसके तख्त के पीछे जो है वो एक कमरा हुआ करता था जिसको चैपल कहा जाता है, और यानी कि वहां पर वो किताब रखी हुई होती थी, मजहबी किताब उनकी। वहां कोई भी बादशाह के पास कोई केस आया, कोई मसला आया, देन एक बंदा जिसके एक आलिम जिसके जो है वो इख्तियार में होता था, वो जाता था अंदर से, और वो जो भी उस मसले का हल लेकर आया वो बादशाह को भी मानना पड़ता था और पब्लिक को भी मानना पड़ता था। और आपको पता है इसी चीज को कहा गया है कि मेरी आयतों का थोड़ी थोड़ी कीमत में सौदा मत करो। ये है असल में सौदा करना अल्लाह के आयतों का, अल्लाह के कलाम का, कि जो इसमें अहकाम दिए गए हैं आप बिल्कुल उससे हट कर बात करें। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर कि इतनी क्लियर किताब है, इतनी क्लियर किताब है कि देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल बकरा से गुजर चुके, सूरह निसा से गुजर चुके, आगे आगे बहुत सारी सूरतें मसले मसाइल के जो आएंगे, यकीन करिए आप पूरी किताब समझने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना किसी मुफ्ती के पास जाने की, ना किसी आलिम के पास जाने की, और ना ही किसी मौलाना के पास जाने की। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं। अल्लाह की किताब में सारे मसले मसाइल दे दिए गए हैं, और मुझे हैरत होती है उन मुफ्तियों पर भी जो बिल्कुल अल्लाह की किताब से हट कर बात करते। क्लियरली आयत से लिखी हुई है कि इस मसले का ये हल है, फिर भी ना जाने एकदम सामने वाले आदमी के मिजाज के हिसाब से कि वो उनकी जेब गर्म करता है और ऐसे ऐसे फतवे दे देते हैं कि जिसका किताब और सुन्नत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहुत हैरत होती है, और मुझे अफसोस होता है कि इनको मुफ्ती की डिग्री दी किसने। देखिए मुफ्ती जो होता है जरूरी नहीं कि उसको पूरे कलाम की जो है वो नॉलेज हो, और जिसने अल्लाह के कलाम को समझ लिया कभी नहीं जाता है, ना किसी मौलाना के पास जाता है किसी मसले को लेकर, ना किसी मुफ्ती के पास जाता है, और सारी चीज को खुलासा अल्लाह ने यहाँ पे कर दिया। अब आप देखिए कि आज हमारे पास एक किताब जो है वो बिल्कुल सॉरी कुरान जो है हमारे पास किताब की सूरत में, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबानी वही आती थी, बुकलेट की सूरत में नहीं आती थी। अब जब ये जबानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने आए थे पढ़ा करते थे तो लोग बहुत एतराज करते थे, नहीं नहीं ये क्या है, बिल्कुल आपको कोई पढ़ पढ़ा के भेज देता है, आप आके हमको जो बोल सकते हो बोल देते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो वही यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बड़ी एक हसरत जागती थी, क्या कि काश अगर किताब की सूरत में ये कुरान मेरे पास होता तो हो सकता था कि ये लोग मान जाते, हो सकता कि ये मान जाते। ठीक है चलिए अलग तरह बोल रहे, नहीं नहीं आपका ये ख्याल गलत है। क्यों? क्योंकि फलमसूहु बिअईदीहिम, और फिर अगर यानी अल्लाह सुभान तआला बता रहे हैं गम मत करो ऐसे नालायक लोगों पर। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कोई किताब देते यानी बिल्कुल पेजेस की सूरत में, जैसे कि तौरात वगैरह दी गई थी उनको एक बुकलेट की सूरत में, फिर वो उसे अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी वो लोग जिन्हें नहीं मानना है वो कहते इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, नहीं है मगर ये खुला जादू है, साफ साफ जादू है। अल्लाह अकबर, यानी क्या पता चला कि अल्लाह सुभान तआला तसल्ली दे रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब देखिए एक एग्जाम्पल देके बात में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कहीं पर भी अल्लाह के हुक्म से अगर मुझे कहीं दर्स देने का मौका मिले, मैंने अगर चंद अहादीस उनके सामने रखी, किसी आयत पर कोई हदीस का मैंने रेफरेंस दिया, अच्छा मैं पूरा कॉन्फिडेंटली हूँ, कॉन्फिडेंटली मैंने इनको पूरा जो है उस हदीस का रेफरेंस दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई उस मजमुए में से खड़े होकर मुझसे ये कहे कि ये काम करें आपने जो हदीस की दलील दी है ना हमको
प्लीज किताब में दिखा दे हमें। अब देखिए कि मैं पूरा एतमाद है मुझे अपने पर कि मैंने पूरा रेफरेंस सही दिया है, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आएगा, काश मैं बुक भी ले आती, काश वो किताब भी मैं ले आती जिसमें ये हदीस का रेफरेंस है, तो ये लोग कितना अच्छा होता ना, यानी ये लोग और ज्यादा जो है इसको मान लेते या मैं इन्हें दिखा देती, यानी दिल में हसरत आती ना। सेम यही रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत ख्याल आता था कि काश ये बुकलेट की सूरत में किताब मेरे पास होती और इनके डिमांड के वजह से मैंने अगर दिखा देता तो हो सकता ये लोग मान ले आते, लेकिन अल्लाह ने कह दिया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले भी हमने इनको किताबें दी, पहले भी सारी चीजें हमने दी, उसके बावजूद वो ये कहते थे नहीं नहीं ये तो बस ये खुला जादू है हम नहीं मानते ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह तआला बोल रहे हैं जिन्हें नहीं मानना है वो ऐसा कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ डे टू डे लाइफ में जिसको हम देखते हैं। आपने चले के नमाज नबी की या फिर नमाज के जो भी मसले मसाइल सारी चीजें आपने पढ़ ली, किताब और सुन्नत में नमाज का क्या हुक्म है, क्या तरीका है, ईच एंड एवरीथिंग सब आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन और अक्सर मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को महसूस किया है, पढ़ लेते हैं सारी दलीलें उनके सामने आ जाती है कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, ये कहा है, ये दुआएं पढ़नी चाहिए, ऐसे अरकान करना चाहिए, ऐसे सजदा करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पढ़ने के बावजूद सारी चीजों को अपने इल्म में लाने के बावजूद वो बिल्कुल अपने पुराने तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल वही बाप दादा के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, तो क्या पता चला, यानी उनको नहीं मानना है, तो मुझे अफसोस भी होता है क्या हो गया इनको, ये सारी दलीलें इन्हें दे दी गई है, सारी चीजें इनको अल्लाह की किताब से सुनने से बता दी गई है, उसके बावजूद ये कोई घिसे पिटे पुराने तरीकों पर नमाज पढ़ रहे हैं। और यकीन करिए अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करिए अल्लाह मौका दे आपको नमाज नबी सही तरीके से सही किताब और सुन्नत से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से साबित है उस तरीके से आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, यकीन करिए बड़ा बंदा इत्मीनान में रहता है बहुत ही। देखिए हमने भी जो अपने पेरेंट्स से अपने कल्चर से जो तरीका सीखा था ना उसको ही फॉलो कर रहे थे हम भी, लेकिन जो भी अस्कार या जो कुछ भी है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने सही सही दीन का शऊर जो दिया उसके बाद जो चीजें हमारी नॉलेज में आई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद यकीन करिए मैं शौर से आपको कह सकती हूँ कि आज कितने साल हो गए मैंने कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं। और पता है जो पहले तरीके पर मैं नमाज पढ़ा करती थी बड़ा हल्का सा आता था, सुस्ती, बैठ गए तो उठने का दिल नहीं कर रहा है, और इतनी सुस्ती में कि कितनी नमाजें हम बैठ के पढ़ लिया करते थे। अच्छा एक हमारे कल्चर में बड़ा मारूफ है एक चीज कि नफिल तो बैठ कर ही पढ़ो, देखिए भाई नफिल का तो वैसे ही आधा सवाब है फर्ज फर्ज या फिर आप सुन्नत के इसके कंपैरिजन में ले लें, और उसको भी बैठ के पढ़ते तो बताओ आधे का आपने पाओ हिस्सा सवाब ले लिया। तो ये हमारे कल्चर में इतनी खुराफातें भरी हुई, इतनी खुराफातें भरी हुई, अच्छे खासे लोगों को मैंने देखा है जो बड़े अपने आप के दीन का डंका बजाते रहते हैं पूरे शहर में पूरे जो है एरिया में, उन लोगों को भी देखा मैंने कि वो दीनदारी नहीं है जो समाज इनको देखता है या समझता है। देखिए दिखावे वाला दीनदार मत बनिए, अंदर से अपने आप को बदलने की कोशिश करें, लोग आपको लान तान करें ये क्या हो गया बाप दादा के तरीके को छोड़कर ये तुम किस तरीके से नमाज पढ़ने लगे, हमें भी लोगों ने लान तान किया, मैं तो भाई एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती, चाहे वो मेरे घर के लोग हो बाहर के लोग हो कोई भी हो कोई भी हो, मैं किताब और सुन्नत के आगे मैं ना अपने शोहर को अहमियत देती हूँ दीन के मामले में, चाहे वो मेरे वालिद हो मेरे शोहर हो कोई भी हो, जहां बात सही है तो मैं आपकी बात नहीं मान सकती, बहुत सीधी सी बात। अल्लाह का शुक्र है खैर मेरे साथ तो ये मसला नहीं है, क्योंकि कभी भी मेरे शोहर ने रोक टोक नहीं किया मुझे, वो मुझे कहते हैं आपको जिस तरीके से आपको करना है आप करिए, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या आपसे, वैसे भी खैर है कि कोई तो बिदअती वाले काम तो वो भी नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है किताब और सुन्नत वो भी चलते हैं, लेकिन कहीं कोई चीज अगर किताब और सुन्नत से टकराती है तो हम लोग बहस और मुबाहसा नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है इतना माइंड सेट है उनका, और इतना बिलीव भी करते हैं कि नहीं अल्लाह ने उनसे ज्यादा तुम्हें नॉलेज दी है तो तुम सही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यानी अड़े रहे नहीं नहीं मैं ही सही हूँ एक एक हस्बैंड लोग का ही रहता नहीं, अकड़ घमंड अल्लाह का शुक्र है कभी भी मैंने अपने शोहर को ऐसे नहीं पाया। अखलाक देखिए कि मैंने किताब में पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकली अखलाक मैंने अपने शोहर के अंदर देखा कि अल्लाह की पना इतना बा अखलाक इंसान वो, अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने मेरे हिस्से में शख्स को दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए कि जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो कोशिश ये करिए कि ये जब वसलम के दिन में भी ऐसी बातें आती थी कि काश मेरे पास होता तो मैं इन्हें दिखा देता, यानी ऐसी तमाम बातें,
मैं यही कहूंगी, देखिए सही किताब और सुन्नत अगर आपके पास आ जाए तो बाप दादे का तरीका आपका टकरा रहा है तो छोड़ दीजिए। हालांकि बहुत दिल जिगर का काम है, मैं बार बार आपको ये जुमला कहूंगी और आप शायद बोर भी हो जाएं सुनते में। आज के टाइम पर चाहे वो किसी भी समाज में रहता है इंसान, सही किताब और सुन्नत पर अमल करना वैसी मामला है जैसे कि सहाबा या फिर आज के टाइम पर नया नया इंसान कोई दीन इस्लाम कबूल कर लेना। आज मुसलमान जब किताब और सुन्नत पर अमल करता है बाप दादा के तरीकों को छोड़कर, उन तमाम परेशानियों को उसको सामना करना पड़ता है जो एक नए मुसलमान को करना पड़ता है दीन इस्लाम में आने की वजह से। लोग क्या क्या बातें करेंगे आपको, हो सकता है कि भाई फैमिली से ही आपको बायकॉट कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें होती है। आप एक बार इरादा तो करके देखिए कैसा शैतान आपके पीछे लगेगा और रिश्तेदारों की शक्ल में आएगा, शोहर की शक्ल में आएगा, ना जाने क्या क्या डरावे आपको आपके अंदर आएंगे कि अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। इतने तक डरावे शैतान देता है कि अगर तुम अब किताब सुन्नत पे चलने लगी तो तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, ऐसा हो जाएगा, क्या तुम अपने बच्चों को दीन पे चला रही हो, अरे हो सकता है तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक ही दे दे। शैतान इतने तक डरावे देता है, पता है आपको। लेकिन यकीन करिए शुरू में आप अगर जम गई तो फिर कोई आपको नहीं हिला सकता है, ये अल्लाह का वादा है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला वही बता रहे हैं, ऐसे लोगों पर गम मत करिए बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि इन आयतों को पढ़ते हुए मैं जो महसूस करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक ऐसा मंजर मेरे सामने आता है ना, ऐसा लगता है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं कहीं भी हरम के इर्द गिर्द कहीं पर बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत सुना रहे हैं। एक ने आके किसी ने डिमांड किया, ओहो क्या तुम ओरली पढ़ा रहे हो भाई, कोई बुक लाके हमारे सामने और फिर पढ़ाना चालू करो। अच्छा वो बंदा गया नहीं कि दूसरा एक आ गया, जैसे कि यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है, वकालु लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतारा गया इस नबी पर कोई फरिश्ता। यानी दूसरा बंदा आया, ओहो अकेले क्यों बैठे हो, कोई फरिश्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हारे पास में, ऐसे कैसे तुम्हारी बात मान ले, फरिश्ता आए तुमको वेरीफाई करे, नहीं तो ऐसे बॉडी गार्ड तुम्हारे साथ रहे। यानी ऐसे ऐसे मुतालबे, ऐसे ऐसे ऑफर देते थे नाउज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अरे ऐसा लगता है कि तुम इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हो ना, तुमको जो है मक्का की सल्तनत चाहिए, बादशाहत चाहिए, अच्छा तुम्हें ऐशो आराम चाहिए, हम सब सब तुम्हें देंगे, बस ये कुरान पढ़ना हमारे सामने बंद कर दो। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या तरीके लोगों ने अपनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन से हटाने के लिए, किताब और सुन्नत से हटाने के लिए। आपको भी ऐसे लोग पीछे पड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऑफर्स आपको देंगे, ऐसे ऐसे ऑफर्स देंगे कि बस तुम किताब और सुन्नत की बातें मत करो, बाकी तुम जो बातें करने वो करो। ऐसे से लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत चाहेंगे, बहुत मोहब्बत करेंगे। जहां आपने हक बात कहना शुरू किया तो लोगों की बातों के ऐसे तमाशे पड़ते हैं ना दीन दार पर, ये अल्लाह की पनाह। सर अगर वही बता रहे हैं कि ठीक है ये ऐसा कहते हैं कि इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया, तो वलो अंजलना मलकन, ठीक है अगर अल्लाह तआला बोल रहे अगर हम फरिश्ते को भेज देते ना तो जरूर इनके मामला इनके काम तमाम कर दिया जाता, बोलते ना बंदे का काम तमाम हो गया यानी फिनिश हो जाता बंदा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुभान तआला फरिश्तों को या तो अजाब देकर भेजा करते थे रसूलों के टाइम पर, और या तो फिर जो है वो मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आती थी, यानी इस तरीके से अल्लाह तआला बोल रहे हैं। हाँ ठीक है फरिश्ते की डिमांड कर रहे हैं, अगर फरिश्ता आ गया तो इनका फैसला ही कर दिया जाएगा, इनका काम तमाम ही कर दिया जाएगा, असमलायुन जरूर, फिर उन्हें मोहलत भी नहीं दी जाएगी, मतलब कोई उनका एक्सक्यूज कबूल नहीं किया जाएगा, उनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा कि चलो भाई सुधार कर लो अपनी, 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया अल्लाह सुब्हान तआला 2 दिन के बाद अजाब भेजने वाला हूँ, कयामत आने वाली है या मैं फरिश्ते को भेजूंगा अलर्ट हो जाओ, नहीं अल्लाह तआला बोल रहे लायन जरूर, बिल्कुल भी वो मोहलत नहीं दिए जाएंगे जब कभी भी, यानी कि इनके पास फरिश्ते आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए कि कुछ लोग जो है आपके ऊपर भी टोन कर सकते हैं। जब आप सही किताब और सुन्नत लेकर लोगों में फैलाने के लिए निकलेंगे, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, ये क्या हो गया इसको, ये क्या नया नया दीन लेकर आई है। हालांकि दीन तो उनके लिए नया होता है, दीन तो न जाने कितना पुराना है, ये अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है जब से जो है वो अल्लाह ने एक ही बात कही है कि एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह को पुकारो, रसूलों को फॉलो करो। लेकिन जिन लोगों के पास इल्म नहीं होता है उन्हें ये दिन बिल्कुल नया नया लगता है। तो अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे तुम्हारी जिंदगी में, इतना पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या हो गया है, ये देखो ये आई हमारी बीवियों को बिगाड़ने के लिए, ये देखो ये जो है हमारे घर के मर्दों को बिगाड़ रहे हैं किताब और सुन्नत फैलाकर, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे इल्जाम हमारे ऊपर भी लग चुके हैं, ये देखो ये पढ़ने जाती है हमारी औरतों को बिगाड़ रही है।
भाई तुम्हारी औरत अमल नहीं कर रही तो तुम्हारी औरत का फॉल्ट है, किताब थोड़ी, अल्लाह की किताब आप सोचिए किसी को बुराई सिखा सकती है। ये किताब जो नूर से भरी हुई है, ये किताब जो बिल्कुल हिदायत से भरी हुई है, अल्लाह के इतने प्यारे प्यारे कलिमात इसके अंदर है, आपको लगता है इसको पढ़ के समझ के या फिर जिस तरीके से इसको समझना चाहिए वो कोई बदतमीज हो सकता है या बिगड़ जाए इससे? तो भाई वो जो सुनने समझने वाला है वो अपने आमाल पे जो है वो गौर फिक्र करें, बाकी तो इस कलाम से तो हमने कभी भी अपने आप में तो बिगाड़ पैदा नहीं किया। तो देखिए कि कभी भी इसको रीजन मत बनाइए, अगर अगर मैंने कहा ना बार बार एक बात मैं आपसे कहती हूँ, आपकी जिंदगी में कुरान आ रहा है तो आपकी लाइफ या आपके अखलाक आपका अमल दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कुरान नहीं आया है और एक आपकी जिसकी जिंदगी में कुरान आ रहा है, अभी ये आ रहा है और आपकी जिंदगी आपके अमाल दूसरों से बहुत डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आप यकीन करिए कि लोगों को बोलने का मौका आप खुद देगी कि क्या फायदा इसको कुरान समझ के, इससे अच्छे तो हम है। चलो लोग बोलने के लिए पीछे नहीं हटते, पता है आपको, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे मतलब बिल्कुल अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है कि कभी भी रेयरली एक दो अगर होंगे तो होंगे, अदरवाइज अल्लाह ने इतनी इस्लाह पैदा कर दी औरतों के अंदर कि जो शौहर उनके खिलाफ थे जब उन्होंने अपनी बीवियों में चेंजेस देखे कि नहीं अल्लाह का कलाम इनकी जिंदगी में आया तो इनकी जिंदगी बहुत बदल गई, वो खुद ब खुद रास्ता अपनी बीवियों को देते, जाइए आप सीखिए और करिए और दूसरों को भी पहुंचाइए। तो देखिए आप खुद जो है वो चलता फिरता कुरान बनिए अपनी जिंदगी में इसको लाकर। हम हर जगह देखिए कि कुरान को किसी के सामने ऐसा पेश नहीं कर सकते, तो चलता फिरता कुरान आप कैसे बनेंगे? आप अपने अखलाक को अच्छा करिए। इसको सीखने से पहले आप जैसी भी थी जो भी थी छोड़ दीजिए उसको, लेकिन अब आप अल्लाह के कुरान से क्या ले रही है वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फिर तो तुम्हारा काम ही तमाम हो जाता। अब भाई क्या हो गया, इनको बड़ी घबराहट हो गई। अब इन्होंने क्या सोचा, नहीं नहीं भाई इतना इतना तो ऐसा फरिश्ता तो मत भेजो कि हमारा जो है वो काम तमाम ही हो जाए। हाँ लेकिन ठीक है एक काम और कर सकते हैं, यानी जब इन्हें ऐसा लगा ये ठीक नहीं है, ऐसा फरिश्ता मत भेजो कि हम पर अजाब ही आ जाए। अच्छा ठीक है एक चॉइस और देते हैं फिर, यानी क्या चॉइस है, वलाउ जअलनाहु मलकन। अच्छा ठीक है, और अगर बनाया होता हमें, यानी कि अल्लाह ताला बोल रहे और अगर बनाना होता हमें रसूल, यानी रसूल जो है वो फरिश्ते की शक्ल में ही बनाना होता, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल जैसे इनके डिमांड के हिसाब से कि इन्होंने कहा कि फरिश्ता क्यों नहीं आया इनके साथ, या फिर फरिश्ता जो है रसूल बन के क्यों नहीं आया। तो मतलब अब देखिए ये सोच देखिए इंसान की साइको देखिए कि ठीक है भाई ये क्या है हमारे जैसा ही एक बशर, उसको अल्लाह ने रसूल बना दिया, क्या हम इसकी बात माने, ये तो हमारे जैसा ही है। आगे हम पढ़ेंगे ये चलता फिरता है बाजारों में, ये क्या है हम बीवियां भी रखता है, अरे इसको क्या हो गया कि हम जो खाते हैं वही खाता है। हर दीनदार के बारे में देखिए लोगों का यही कॉन्सेप्ट है, लोग क्या सोचते पता है, दीनदार बोले तो भाई तुम्हें काम करो घर के कोने में ना जाए नमाज बिछाओ तस्बीह लेके बैठे रहो। तो बताइए दीनदार जब जाए नमाज लेके तस्बीह लेके बैठा रहेगा मुसल्ले पर तो दीन का काम क्या आप करोगे? लोगों की सोच इतनी घटिया है मैं समझती हूँ दीनदारों को लेकर, ये दाई दीन को लेकर, कि ये जो है अगर दीन का काम करता है तो इसका हक नहीं है कि अच्छा खा सके अच्छा पहन सके। और किसी अल्लाह की बना अगर कभी इसको अच्छा खाते पीते किसी होटल में देख ले फैमिली के साथ तो ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं, ये जैसे दीनदार हैं होटल में खाते हैं, ये देखो बाजार में फिरते, तो भाई उनके घर का काम तुम आके करोगे, उनके घर के खाने तुम बनाओगे या उनकी फैमिली को तुम संभालोगे? अच्छा होता है दाई दीन, एक दीन की फिक्र करने वाला इंसान अपने घर की भी फिक्र कर रहा है और अल्लाह के दीन की भी फिक्र कर रहा है। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी इतनी घटिया होती है, वो सोचते हैं दीनदार है तो ये ना घूम फिर सकता है ना फैमिली के साथ कहीं जा सकता है ना कुछ नहीं। लोगों की यही सोच है कि दीनदार बोले तो बिल्कुल वही टोपी लगाए हुए गंदा सा कुर्ता पजामा पहना हुआ अपना हुलिया ऐसे बना रहे हो ताकि तुम जो है दीनदार लगो। देखिए अल्लाह ने कहीं पर भी किताब में ये नहीं कहा है, मतलब तो बोल रहे अच्छे से अच्छा खाओ पहनो ओढ़ो, हाँ लेकिन मेरी नाफरमानी मत करो मेरी नाशुक्री मत करो, इस चीज के लिए अल्लाह ने मना किया। लेकिन चूंकि लोगों ने इतना गलत कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश किया दीन का, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ अगर अल्लाह ने आपको ड्रेसिंग का सेंस दिया है, अच्छे से अच्छा पहनने का सेंस रखती तो आप अपने ड्रेसिंग के सेंस से इस टैलेंट के जरिए दीन को फैलाने की कोशिश करें, लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करिए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पहन ओढ़ कर दीन का काम नहीं कर सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। हाल ये है लोगों का, हाँ नहीं दीनदार है तो भाई आउटलुक अपना अच्छा कर लो, अंदर से चाहे कितने भी काले पीले नीले हरे पीले लाओ तुम,
ऐसा नहीं चाहिए, अल्लाह को रंग बिरंगा मुसलमान नहीं चाहिए। अल्लाह सुबहान तआला वही बता रहे हैं कि इनका हाल ऐसा होता था, ये ऐसे ऐसे डिमांड करते थे। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह फुरकान में तो बड़ी जबरदस्त आयतें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ऐसा बोल रहे, अच्छा ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते थे, अरे चलो भाई क्या बशर 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 को तुमने रसूल बनाया, थोड़ा सा हो तो ऊंचा मकाम हो, यानी कि चलो फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेज देते, ठीक है, यानी इंसान नहीं चाहिए हमको, फरिश्ता, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे, अच्छा चलो तुम्हारी इस बात से भी हम जवाब दे देते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे, अगर हम बनाते यानी कि फरिश्ते को रसूल बनाते, लजअलनाहु रजुलन, यस डेफिनेटली, तो जरूर हम उसको आदमी की ही शक्ल में बनाते। देखिए क्यों, क्योंकि जिब्रील अलैहि सलाम देखिए कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आए हैं, तो एक सहाबा दहिया कल्बी करके उनका नाम है, तो वो हमेशा उनकी शक्ल में आया करते थे, जिब्रील अलैहि सलाम उनकी शक्ल में आया करते थे, यानी उनकी शक्ल अल्लाह सुभान अल्लाह इख्तियार करके उनको भेजा करते थे। यानी बताया जा रहा है क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो फरिश्ते को नहीं देख सकता ऐसे। और यहाँ पर देखिए कि हर दौर में आपको हैरत होगी कि ईच एंड एवरी टाइम हर दौर में जो है रसूल को नहीं मानने की सबसे बड़ी वजह होती थी, ये इंसान क्यों है, इंसान को क्यों चूज किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आपकी फैमिली में जैसे किसी को बड़ा मस्ता हो आपसे, अच्छा अल्लाह ताला को तुझे मिली थी, तुझे ही कुरान सिखाना था, तुझे ही बड़ी आई, तुझे दीनदार अल्लाह ने बनाया, यानी आपको लोग आपको भी टोन कर सकते हैं। देखिए कि जैसे अंबिया और रसूलों को टोन किया गया अल्लाह के कलाम को आगे बढ़ाने के लिए, दीन का काम आगे बढ़ाने के लिए, ता कयामत अब इस दीन की जिम्मेदारी जो भी लेगा उसको जरूर ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। तो वही अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि असल चीज क्या है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और फिर जरूर शक में पड़े रहने देते उन्हें उस शक में जो वो कर रहे हैं। बताइए कैसा शक होता, शक ये होता कि ओहो अच्छा अच्छा फरिश्ता हमारे पास आया है, पता नहीं इंसान है क्या फरिश्ता है, यानी इस तरीके का शक। और सब बातों की एक बात, बोलते ना 100 बात की एक बात, अल्लाह सुभान तआला ने कह दिया इनको असल में हिदायत की भूख नहीं है। देखिए जिसको भूख ना हो ना तो आप मतलब नहीं उसको जो है वो दे सकती है कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर उसको भूख नहीं है और जबरदस्ती आप उसको खाना खिला रही हो, ठीक है, तो वो बोलेगा मुझे इस प्लेट में खाना क्यों दिया, मुझे फ्लावर वाले ग्लास में पानी क्यों नहीं दिया, ये भैया ने मुझे यहाँ से क्यों पकड़ा, मेरी बहना ने यहाँ से मुझे क्यों पकड़ा, मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा क्यों करते हैं ना बच्चे। ऐसा माँ तो खैर समझ जाती है इसको भूख नहीं है इसलिए 100 बहाने कर रहा है ये, है मेरी छोटी छोटी बच्ची मेरी, किसी दिन इसको खाना, मम्मी इसे मिर्ची बहुत लग रही है मुझे, हालांकि मिर्ची नहीं होगी, ये इसे जीरा क्यों दिख रहा है, यानी ऐसा बेतुकी बहाने निकालते रहती वो भी ऐसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को भी समझ आता है इसको भूख नहीं, इसको खाना नहीं, या फिर इसको खाना पसंद नहीं आ रहा है। सेम थिंग अल्लाह सुबहान तआला को अपने बंदों का सब साइको पता है, जिस रब ने पैदा किया क्या वो नहीं जाने का। अगर बोलते इसे इन्हें असल में हिदायत की भूख नहीं है। सेम थिंग जब आप किसी के सामने जब दीन पेश करेंगे ना, यकीन करिए, और एक बात को हमेशा याद रखिए मेरी, आपने 10 लोगों के सामने अल्लाह की किताब को पेश किया, 10 में से अगर 9 भी ना माने ना, एक बंदा मान लेना, तो समझ जाइएगा वो 9 बंदे ऐसे हैं जिनके दिल में तकब्बुर है, दैट्स वाई वो नहीं मानते हैं आपकी बात। तो आपकी क्या, अल्लाह की बात को मैं समझती हूँ, आपकी बात क्या है, ये अल्लाह का कलाम है, मेरी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, मैं तो कभी नहीं कहती कि आप मेरी बात माने, मैं तो हमेशा ये कहूंगी अब अल्लाह की बात को माने। तरह तरह वही बता रहे हैं कि देखिए कि जो बंदा आपके सामने इन चीजों को नहीं मान रहा है, और पता है इससे भी बड़ा रीजन क्या होता है, एक पहली चीज से तकब्बुर उसके अंदर होती है, दैट्स व्हाई वो नहीं मानता है। एंड अदर थिंग इज कि ये वो अपने आप को बड़ा सच्चा सच्चा समझ रहा होता है, नहीं मैं जिस चीज पर हूँ आई एम हैप्पी एंड आई एम राइट। ये 2 चीजें आपको बहुत अगले बंदे के अंदर दिखेगी जो आसानी से अल्लाह के कलाम को नहीं मानता है, बता नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और यकीन करिए कि वो अपने आप को बहुत दूर समझता है, वो अपने आप को इतना सच्चा समझता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि ये जो है अबू लहब जो था, अबू जहल अबू लहब, इसने क्या किया था पता है आपको, जब ये लड़ाई करने आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काबे की चादर को पकड़ कर इसने दुआ की थी, उसके अल्फाज इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे, अल्लाह ने उसके अल्फाज को लिख दिया यहाँ पर कि अल्लाह हमें से जो है अगर जो सच्चा है और यानी कि उसको तू आज गलबा दे, और हमें से जो झूठा है ना उस पर तू पत्थरों की बारिश बरसा दे। आप ये सोचिए उसको कितना यकीन था, उसको ये यकीन था कि मैं सच्चा हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहा था, और अल्लाह सुबहान तआला ने
उसी की दुआ उसी के हक में कबूल की। वो झूठा था, उस पर पत्थरों की बारिश हो गई। अल्लाह खुद पर साफ सोचिए, निस्तुनाबूद हो जाए, ना जाने क्या क्या बदुआ उसने की थी। तो यानी ये देखिए कि आपके सामने अगर कोई बंदा बड़े दावे से बात कर रहा है, अपने आप में वो बहुत अपने आप को सच्चा महसूस करता है, सोचता है कि नहीं मैं सच हूँ और हमेशा जो है वो सच्ची बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि झूठलाता वही है जो अपने आप को बड़ा सच्चा समझता है। तो ऐसे लोगों का कैरेक्टर यहाँ पे पेश किया जा रहा है। तरह तरह बोल रहे छोड़ दीजिए इनको, इनको असल चीज की इनको भूख नहीं है, ठीक है। तरह बोल रहे हैं, अब तसल्ली दे रहे हैं। आपको शुरू में याद है मैंने 7 पॉइंट बताए थे, उसमें से आपको कुछ पॉइंट मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है। तो बिल्कुल इस सेकंड पॉइंट था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, वला कद इस्तुहज़िअ बिरसूलिन, कि दर हकीकत मजाक उड़ाया गया आपसे भी पहले कई रसूलों का। हुआ क्या, उनका अंजाम भी है, वफहाक बिल्लज़ी सख़िरु मिन्हुम, तो घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया उनमें से उसी अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुबहान ताला ने उस अजाब का जो ये मजाक उड़ाया करते थे उसी अजाब ने उन्हें घेर लिया। लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी उम्मत पर नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह का वादा था कि जब तक आप इन लोगों में शामिल हैं, आप इन लोगों के दरमियान हैं, मैं आपकी जो है कौम पर, आपकी उम्मत पर जो है वो अजाब नहीं भेजूंगा। और इसी तरीके से अल्लाह सुबहान ताला ने मुसलमानों के हाथों से, सहाबा के हाथों से जो है वो काफिरों का खात्मा करवाया, जंग की सूरत में, सीरिया की सूरत में, ओके। देन इसके बाद अल्लाह तआला बता रहे हैं कि ठीक है छोड़ दो इनको, कुल सीरो फिल अर्दी, अच्छा इन्हें यकीन नहीं हुआ तो आप फरमा दीजिए चलो फिरो सैर करो जमीन में, फिर देखो किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। सारी बात समझे, झुटलाने वालों के अंजाम की तरफ अल्लाह इशारा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज आप भी अल्लाह के कलाम को लेकर जब समाज के बीच में निकलेंगे, लोगों के बीच में निकलेंगे, और जो बंदा आपको झुटला रहा है एक नए दिन अल्लाह सुब्हान ताला सारी बातों का खुलासा करके उनके सामने पेश कर देंगे। लेकिन आप बोलोगे, आप चाहोगे कि भाई आज के आज में तबलीग कर दी तो आज के आज ही सारे लोग ईमान ले आए, मेरी बात सुन ले, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला बार बार अपनी किताब में फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहे हैं, मुझे और आपको भी बता रहे हैं, हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है, एंड ऑन दैट टाइम कि वो काम होकर रहता है। तो क्या पता चला, मुझे और आपको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए और उस वक्त का इंतजार करते हुए अपने काम को करते रहिए। अल्लाह सुब्हान ताला अपने वक्त से अपने काम को करते रहेंगे। आप कहें कि भाई नहीं मैं काम कर रही हूँ, भाई अल्लाह ताला हाथों हाथ नतीजा दिखा दीजिए, भाई मेरे को आखिरत में कुछ नहीं देखना है, तो भाई इतने बेसब्रे लोगों को अल्लाह की जरूरत नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं, सॉरी, ऐसे बेसब्रे लोग अल्लाह को चाहिए ही नहीं। अल्लाह बोलता है नहीं, मेरे रास्ते में आना है तो तुम्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ बन सके। तो सब्र बहुत जरूरी है, तवक्कुल बहुत जरूरी है। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे, आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता करना और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे,
और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ते अब्बा, इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.